गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री ज्योतिद्र भाई मेहता अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष श्री घनश्याम भाई अमीन राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री अवस्थी एमडी डी इपको मिनेश भाई शाह अध्यक्ष एनडीडीबी श्यामल भाई पटेल अध्यक्ष अमूल और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं मित्रों आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है, तो है। सबसे पहले 102 सौ दो दोवा सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को पूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था श्यामा प्रसाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन का नेतृत्व तो किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया और आज देखिए सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान दो प्रधान और दो निशान समाप्त तो हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है बाबू जी ने इस देश के दलितों के लिए पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबू जी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और हम सबके लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं जहां से सरदार पटेल त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए ये इसी राज्य से गए इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बड़े जोर से करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए भाइयों बहनों आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50 परसेंट की सब्सिडी दी इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूं साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा भूमि भी बिगड़ेगी ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डीएपी जो है प्रवाही यूरिया और प्रवाही डीएपी है ये पर्याप्त है आपके क्रॉप के लिए ये पर्याप्त है ज्यादा उत्पादन के लिए ये दोनों का छिड़काव करने से निश्चित रूप से आपका क्रॉप और भूमि ही बिगड़ेगी खाने वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं गुजरात के किसानों सरकार ने इसको सस्ता किया है छिड़काव करिए मोदी जी ने ड्रोन दीदी की योजना लाए हैं हमारे गांव की बहनों को छिड़काव के लिए ट्रेनिंग करिए और धरती माता के स्वास्थ्य की हम सब चिंता करें आज भारत सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की है जैविक उत्पादों को ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए मुनाफा मिल जाए इसके लिए आज एनसीओएल के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है मैं अपील करना चाहता हूं। अब दो ब्रांड हमारे पास एक भारत ऑर्गेनिक जो एन का है और दूसरा अमूल ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं आप विश्वास करके कर दोनों ब्रांड खरीदे ये शत प्रतिशत ऑर्गेनिक है इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से आपको मिलने वाला ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है इसकी जांच करके ही इस पर भारत ब्रांड और अमूल ब्रांड का थप्पा लगता है विश्वास के साथ इसको खरीदिए और अपने परिवार का अपने बच्चों का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अमूल ने भी आज दिल्ली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉप का उद्घाटन किया है भाई और बहनों हमारे देश में सहकारिता कोई नया विचार नहीं सवा सौ साल पुराने इस विचार को हमारे पुरखों ने अपनाया था सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे गाडगिल जी जैसे वैकुंठ भाई मेहता जैसे त्रिभुवन दास पटेल जैसे कई मनुष्यों ने इसकी शुरुआत की परंतु एक समय आया जब ये विचार लड़खड़ा गया और धीरे 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 सहकारिता आंदोलन मंद पड़ता गया धीरा पड़ता गया मोदी जी ने सहकारिता की रिलेवेंसी को आज भी सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है इसको पहचानते हुए नए सरकारिता मंत्रालय की स्थापना की है आज हम एक मकाम पर खड़े हैं सवा सौ साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है कृषि ऋण के वितरण में 20 प्रतिशत फर्टिलाइजर के वितरण में 35 प्रतिशत उत्पादन में 21 प्रतिशत चीनी में 31 प्रतिशत उत्पादन गेहूं की खरीदी में तेरह प्रतिशत और धान की खरीदी में बीस प्रतिशत एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है नाफेड इपको अमूल क्रिपको कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई मगर इससे संतोष नहीं लेना है समय आ गया है कि ये पांच साल में हम ऐसी मजबूत नींव डाले कि अगले 125 साल तक सहकारिता हर घर और हर गांव में पहुंचे ये हमने करना है सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आई है आज मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं सहकारि के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा किसान की तो समृद्धि बढ़ेगी ही परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम कर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समृद्ध करने का एक पुण्य कार्य करेंगे इसी तरह से दलहन में भी चार दलहन आप जितनी भी करनी है इतनी करिए नाफेड और हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है ये दोनों के माध्यम से आपका दलहन शत प्रतिशत एमएसपी पर खरीदने का हमने काम किया है और मैं मानता हूं इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए भाइयों और, और बहनों आज एक थोड़ा हल्का सा जिक्र कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में इसका जिक्र किया है मैं आज आपके माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में हो ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे हमें सहकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मैं आपको विश्वास के साथ गुजरात में बनासकांठा और पंचमाल में पायलट प्रोजेक्ट करे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ ये दो जिलों के अंदर सात करोड़ रुपए की डिपॉजिट हम बढ़ाने में सफल हुए सिर्फ दो जिले के अंदर अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा जिससे सहकारिता का बाग फल फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा और जीरो प्रतिशत इंटरेस्ट पर तेईस हजार से ज्यादा केसीसी कार्डों का वितरण हुआ है तीन पॉइंट आठ लाख रुपए डेबिट कार्ड जो बहुत कम ऋण में हमारे किसान भाई और दूध उत्पादन करने वाली माताओं को ऋण देता है वो रूपे डेबिट कार्ड उनको दिए गए हैं और एक प्रकार से दोनों जिलों में ऊर्जा का संचार हो रहा है कार्यक्रम के बाद मैं बनासकांटा और पंचमाल जा रहा हूं परंतु मेरा नाबार्ड और सभी देश भर की राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों बैंक को साथ में रखकर जिला दूध उत्पादक संघ को साथ में रखकर हर डेयरी हर पैक्स हर सहकारी संस्था जिले की अपना अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाएं अपना सारा जमा राशि सारा डिपॉजिट कॉपरेटिव संस्थाओं में करें इससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत भी होगा पूंजी भी बढ़ेगी और हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे मुझे आशा है कि कोऑपरेशन अमाउंट कोऑपरेटिव का ये जो कंसेप्ट है इसको पूरा देश स्वीकार करेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी सहकार से समृद्धि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है ऐसे ही नहीं दिया है मैं आप सभी को ये नारे के पीछे का चिंतन बताना चाहता हूं इस देश में 30 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने 10 साल के अंदर इनकी दैनंदिन जरूरियातों से मुक्त कर दिया इसको घर दे दिया घर में बिजली दे दी शौचालय दे दिया पीने का पानी दे दिया पांच किलो खाने का अनाज मुफ्त दे दिया और गैस का सिलेंडर भी दे दिया ये तीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ये बेजिक सुविधाओं को प्राप्त करने में पूरी पीढ़ियां चली जाती थी ये सारा काम दस साल के अंदर मोदी जी ने पूरा कर दिया अब उनके पास लक्ष्य नहीं है मगर उनके पास लक्ष्य है वो आगे बढ़ना चाहता है वो अपने बच्चों के लिए स्कूटी लाना चाहता है घर में एक अच्छा पंखा लगाना चाहता है माँ बीमार है तो कूलर लगाना चाहता है वो पुरुषार्थ करना चाहता है मेहनत करना चाहता है मगर पूंजी नहीं है अगर पूंजी नहीं है और देश के विकास के लिए योगदान देना है पूंजी नहीं है और अपना विकास करना है तो इसका एकमात्र रास्ता एकमात्र मंत्र सहकारिता है इसके अलावे नहीं हो सकता अमूल इसका उदाहरण सौ रुपए से ज्यादा पूंजी किसी बहन ने नहीं लगाई है पैतीस लाख बहने आज सिर्फ सौ रुपए की पूंजी निवेश कर साठ हजार करोड़ रुपए का व्यापार कर रही है यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सौ की सिर्फ पूंजी से नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि जो मंत्र दिया है ये मंत्र के पीछे आजादी के 75 साल के बाद भी ये जो 30 करोड़ लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इनके जीवन में आत्मविश्वास खुशी और समृद्धि देना है वो परिश्रम करे अपने पैर पर खड़े हों और उनकी आने वाली पीढ़िया भारत की अच्छी नागरिक बनकर भारत के विकास में योगदान दे पाए इसलिए कोऑपरेटिव को, को समृद्ध करना है भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे कदम उठाए सबसे पहले हमने एक डेटाबेस बेस तैयार किया है। कौन से राज्य में कितनी कोऑपरेटिव है कौन से जिले में कितनी कौन सी तहसील में कितनी है और कौन से गांव कोऑपरेटिव एक्टिविटी के बगैर के हैं आज मेरे टेबल पर बैठकर दिल्ली में मैं एक गांव इसमें डेरी है या नहीं है पैक्स है या नहीं है ये उपलब्ध है ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रारों के पास भी उपलब्ध है और हमने अभियान चला है दो लाख पैक्स और डेयरी बनाने का मैं आज देश भर के जिला रजिस्ट्रार जिला कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और दूध संघों के अध्यक्ष को अपील करना चाहता हूं आप डेटाबेस का उपयोग करिए और जहां खाली जगह है वहां नई सहकारी संस्था स्थापने की शुरुआत करिए तब जाकर हमारा काम आगे बढ़ेगा देश का कोई राज्य ऐसा न हो कोई जिला ऐसा ना हो जहां वायेबल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और वायेबल जिला दूध उत्पादक संघ न हो ये करेंगे तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे इसके बेस को विस्तृत कर पाएंगे और समृद्धि हर गरीब के घर गर पर हर ग्रामीण के घर में पहुंचाने का हम काम कर पाएंगे इसलिए हमने सहकारिता से युक्त पंचायत की कल्पना करी इस देश में आज भी दो लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है हमने लक्ष्य रखा है अगले पांच साल में ये दो लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हम सब साथ में मिल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को भी मैं देखता हूं भैया इलेक्शन का विचार मत करना कि नए गांवों में पैक्स बनेंगे तो आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे आपके भाग्य में नहीं है तो इतने पैक्स भी आपको हरा सकते हैं हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट मुझ, के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे और फिर से एक बार सेवा करने का मौका देंगे हम इसमें अवरोध न बने हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें भाई और बहनों इसके साथ साथ पैक्स क्यों वीक पैक्स बन जाते इसका भी हमने संशोधन किया क्योंकि ऋण देने में कृषि ऋण देने में कोई ज्यादा मुनाफा बचा नहीं है होना भी नहीं चाहिए किसानों को सस्ते दर से ऋण मिलना ही चाहिए तो हमने पैक्स के मॉडल बायोलॉज बनाए और मुझे आनंद है कि पैक्स होने के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर द्वारका तक हर राज्य ने मॉडल बायोलॉज एक्सेप्ट किए हैं और सबके बायोलॉज बदल हमने पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया का भी काम कर सकते हैं पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं पेक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं पेक्स सस्ती दवाई की दुकान भी लगा सकते हैं पेक्स फर्टिलाइजर भी बेच सकते हैं पेक्स पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं पेक्स रेलवे की बुकिंग भी कर सकते हैं पेक्स एरोप्लेन की बुकिंग भी कर सकते हैं पेक्स सीएससी भी बन सकते हैं और आज मुझे आनंद है मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं आज सुबह मैं डाटा लेकर आया हूं 65000 में से 48,000 पैक्स ने कोई ना कोई नए आयाम को अपने साथ जुड़कर पैक्स को वायबल बनाने का काम। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि नए पैक्स जो रजिस्टर हो वो मॉडल बायलो डेयरी इसके, इसके साथ जुड़ी हो भंडारण इसके साथ जुड़ा हो खाद का व्यापार इसके साथ जुड़ा हो सस्ती दवाइयों की दुकान इसके साथ जुड़ी हो और गुजरात राज्य जैसा राज्य तो इसमें मॉडल बन सकता है देश भर का मार्गदर्शन कर भाई और बहनों इसके साथ हमने तीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए ऑर्गेनिक सोसाइटी एक्सपोर्ट सोसाइटी और बीच सोसाइटी इसके माध्यम से किसानों की समृद्धि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है मेरा आप सभी से आग्रह है ये तीनों सोसाइटी की साइट पर जाकर आपने आपके अपने पैक्स को इसके साथ रजिस्टर करिए सहकारी बैंकों के लिए नागरिक सहकारी बैंकों के लिए एक अमरेला संगठन बनाने का शुरुआत हुआ है और इससे सहकारी बैंकों पर नागरिक सहकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा एक ही माह में हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे 1100 नए एफपीओ खुल चुके हैं नए बायोलॉज एक लाख से अधिक पैक्सों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और एनसीडीसी को 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने से एनसीडीसी ज्यादा सहकारी संस्थाओं का भला कर पाएगी इसका मुझे विश्वास है अर्बन को ऑपरेटिव बैंक को नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य मिला है पीएसएल के लक्ष्यों की आग्रह जो था इसमें भी दो साल बढ़ाने का निर्णय किया है सहकारी बैंकों को व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दो गुनी कर दी गई है और आयकर का लाभ और नक, नकद उठाने का सीमा दोनों में बढ़ोतरी की है मैट में प्रतिशत से कंपनियों की तरफ प्रतिशत लाए हैं और चीनी सहकारी मिलों के सालों से पेंडिंग चीज थी वो पंद्रह हजार करोड़ का उनका इनकम टैक्स के क्लेम को कानून बनाकर निरस्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई और बहनों आज इस माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाओं के साथ साथ आह्वान भी करना चाहता हूं कि आइए हम सब साथ में मिले, मिले और सहकारिता को हमारे देश का अर्थतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनाए न केवल स्तंभ बनाए तीस करोड़ गरीब लोगों के जीवन में करोड़ों ग्रामीण लोगों के जीवन में सुविधा समृद्धि और आत्मविश्वास को जगाने का काम करे उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का हम प्लेटफॉर्म दे एक टीम की तरह काम करते हुए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाए यही मेरी अभ्यर्था है मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, भाई और बहनों दो में जब सहकारिता दिन मनाया जाएगा एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहाँ पैक्स नहीं होगा जहाँ डेरी नहीं होगा और जिला कक्षा की संस्थाएं नहीं होगी इसके लिए आप सबका साथ चाहिए आप सबका सहकार चाहिए मुझे भरोसा ये मिलेगा हमने मोदी जी के स्वप्न को साकार करना है और गरीबों की सेवा के लिए आगे का सहकारिता का एक शतक हमें आगे ले जाना है आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और सहकारिता दिन भी है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का भी दिन है और मेरे जैसे के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है तीनों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं वंदे मातृ बहुत बहुत धन्यवाद